हाँ भाई, सारे शिक्रे कैसे हैं? ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे और कैब सर्विसेज जो कि क्रीम और उबर हैं, वो लोग कहते हैं कैप्टन को फैसिलिटेट करें, उनको राशन बैग्स दे रहे हैं, काफी चीजें जो कि वो दे रहे। तो हम लोग कैप्टन का रिव्यू लेंगे कि कैप्टन क्या समझते हैं कि कंपनीज उनके लिए जो कुछ कर रही हैं, कुछ फायदा पहुंचा या उन तक कोई चीज पहुंची, या सिर्फ कहा ही जा रहा है और ऐसा है कुछ नहीं। तो अभी चलते हैं और हमने प्लान ये किया है कि एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग कैप्टन से कनेक्ट होंगे, या इनफेक्ट हमें बाहर कोई मिल जाता है तो हम लोग उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं और कोरोना के क्राइसिस में कैब सर्विसेज ने उनके लिए ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनको कुछ फायदा हुआ या फिर उनको कुछ हद फैसिलिटेट कर दिया गया। क्या नाम है आपका? जी, सैयद ताहिर अब्बास। सैयद ताहिर अब्बास साहब, आप ये बताइए कि आप उबर और क्रीम के साथ कितने वक्त से काम कर रहे हैं? सर, तकरीबन 2 साल हो। अच्छा, ये अभी चूंकि कोरोना के क्राइसिस चल रहे हैं, ज़ाहिरा काम नहीं है, राइड्स नहीं है, लोग घर पे बैठे हुए, सिचुएशन में क्रीम और उबर का कहना है कि वो अपने कैप्टन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई इमदाद राशन टाइप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आप तक कोई चीज ऐसी पहुंची है? नहीं, मेरे तक तो कोई नहीं पहुंची। दो तीन दोस्त भी हैं मेरे, किसी तक भी हमें तो नहीं पता है उन्होंने कुछ चीज़ दी। मतलब आपके इल्म में ऐसी कोई ऐसा कोई बंदा नहीं जिसकी तरफ इनकी मदद पहुंची हो? नहीं नहीं कोई बंदा भी नहीं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि मैंने काफी देखा है इनका जो फेसबुक पेज है, वहाँ पे लोग इनको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर आप कैप्टन की मदद करना चाहते हैं तो आप फिर ऐसा कीजिए कि जो आप क्रीम की फीस है वो खत्म कर दीजिए, ताकि जो कैप्टन राइड ले वो सारे पैसे उसको ही मिले। क्रीम ने ऐसा कोई इकदाम किया? नहीं सर, ऐसा नहीं किया। ताकि पहले जो है वो भी तकरीबन 25% पहले, फिर भी ये अगर थोड़े से बचते थे, लेकिन अभी अगर 2000 रुपया बंदा कमाएगा, 1000 का पेट्रोल हो जाएगा, तो क्रीम को बीजी पैसा सारी बात करानी पड़ेगी। अगर आपकी क्रीम की अथॉरिटीज में से कोई आपका ये पैगाम सुने तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर देखें कर रहे हैं तो कुछ कम से कम कैप्टन को भी दें, ठीक है, कि उसको भी 4 पैसे कुछ बचें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सर। मुदस्सर साहब, आप कितने वक्त से क्रीम और उबर के साथ काम कर रहे हैं? मैं सर क्रीम के साथ 1 साल हो। हाँ मुदस्सर साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कोरोना के क्राइसिस में चूंकि हालात काफी मुश्किल हैं, क्रीम या उबर ने आपके लिए कोई इकदाम किया है आपकी मदद के लिए? नहीं सर, कोई भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो उल्टा बोनस वगैरह सारी चीज खत्म कर दी और अपनी कमीशन भी बढ़ा दी। हमें तो इस टाइम कुछ भी नहीं बच गया, काम आगे भी कोई नहीं है और आगे भी उन्होंने सारे बोनस खत्म कर दिए। मतलब ये कि बजाय इसके कि वो अपनी फीस को कम करते, वो उन्होंने फीस को बढ़ा के बोनसेस भी खत्म कर दिए। 35% ले गए। अच्छा अच्छा 35-40%। अच्छा, आप कोई सजेशन देना चाहें कि क्रीम अगर कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहे आपके लिए, क्या ऐसा करें जिससे आपके लिए बेहतरी हो सकती है या बाकी कैप्टन जो हैं आपके साथ उनके उनके लिए बेहतरी हो सकती है? मैं तो कोई नहीं। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आई होप कि दिस विल वर्क आउट। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम क्या है भाई? रिजवान अहमद। रिजवान अहमद साहब, आप मुझे ये बताइए कि कोरोना के क्राइसिस चल रहे हैं तो इन क्राइसिस में क्रीम ने आपके लिए क्या काम किया है, कोई सपोर्ट किया आपको या कोई पैकेज आपके लिए मुतारफ कराया? क्रीम ने जी हमें बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने जुल्म का एक निजाम कायम किया हुआ है, इवन के इन्होंने कहा कि आप फॉर्म फिल करें हम आपको राशन देंगे। हम काम भी कर रहे हैं, मैंने कोई छुट्टी नहीं की, ठीक है, मैं काम भी कर रहा हूँ, डिलीवरियां कर रहा हूँ, तो कंपनी अपने 28-30% जो उसने झूठ बोला हम 25% काटते हैं, उसने वो भी अपना बोनस भी खत्म कर चुकी है, और जबकि अपनी परसेंटेज 28-30% काट रही है हर राइड के अंदर, चाहे वो कैंसलेशन की हो चाहे वो डिलीवरी की राइड हो, कंपनी टोटली फ्रॉड में अपनी है। हमें कहती है कि हम ईमानदारी करें और हमें इसके मुकाबले में कंपनी जो हमारे साथ शुरू कर रही है वो टोटली 2 नंबरी फ्रॉड, धोखेबाजी, झूठ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शिराज। शिराज साहब, मुझे ये बताइए कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं क्रीम और उबर के साथ? तकरीबन 1 साल हो गया। ठीक है, 1 साल हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, चूंकि अभी हालात काफी नाजुक हैं, कोरोना की वजह से बहुत क्राइसिस हैं, तो इन हालात में क्रीम और उबर ने आपके लिए ऐसा क्या इकदाम किया है जिसको आप सराहना चाहेंगे? अरे सर, हमारे लिए कोई इकदाम नहीं किया। पहले ही हमें बोनस देते थे, बोनस इन्होंने खत्म कर दिए और अपनी जो इनकी जो पर पेमेंट है, अर्निंग पेमेंट जो है, हर राइड पे 25-30%, यानी कि 100 रुपए के पीछे 25-30 रुपए ये लेते हैं, और आम टैक्सी से हाफ किराया हमारा होता है। आप जहाँ भी जाए टैक्सी वाले का किराया 1000 रुपए बनता है तो हमारा 500-600 बनता है, उस 600-500 में से भी 25-30% हमें इनको देना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, और गाड़ियां शॉर्ट होने की वजह से, गाड़ियां कम होने की वजह से 6-8 किलोमीटर दूर से भी राइड उठानी पड़ती है। अगर नहीं उठाएंगे तो हमारी आईडी कैंसिल करते हैं। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइएगा। मुस्लिम साहब, मुझे ये बताइए कि कोरोना वायरस के क्राइसिस में क्रीम ने आपके लिए कोई ऐसा इकदाम उठाया जिससे आपको फायदा हो? कोई इस तरह का नहीं उठाया। जो हमारा जो बोनस था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मतलब जैसे ही ये कोरोना आया है कोई मदद नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल से जनाब, दिन को इतनी राइडिंग नहीं होती, ऐसे बंदे हैं वो बहुत कम। ठीक है, आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा है जिसको राशन मिला हो क्रीम की तरफ से? अरे नहीं मिला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सैयद गुलाम नाम। सैयद गुलाम साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं क्रीम और उबर के साथ? मुझे 3 साल हो गए। आप 3 साल से काम कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कोरोना के क्राइसिस में क्रीम या उबर ने आपके लिए कोई खास काम किया जिससे आपको फायदा? नहीं, कुछ काम नहीं किया है भाई साहब, हमारा तो वो बोनस ही खत्म कर दिया है, अभी तो हमें बिल्कुल फायदा ही नहीं है, बस वो रिक्शे से भी कम कराया है इसका, अभी इस तरह हो गया, इसमें बचत ही नहीं है। अच्छा, मतलब आपके लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, उल्टा आपका बोनस भी खत्म कर दिया गया? जी जी बिल्कुल। ये तकरीबन तमाम कैप्टन का सेम वर्डिक्ट है कि जो बोनस है वो खत्म कर दिया गया। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आपने मुख्तलिफ कैप्टन के रिव्यूज देखे, उनके मुताबिक ऐसा है कि क्रीम और उबर की तरफ से अनाउंस किया गया था कि उनको राशन बैग्स दिए जाएंगे, उनको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, ये चीजें दी जाएंगी, और फैसिलिटेशन जो कि काम बंद है इस वक्त मुकम्मल तौर पे, ये लोग वो हैं जो डेली वेजर्स हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, कमाते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए लगाते हैं, फिर ये सारा सारा दिन मेहनत करते हैं। आपने लोगों की राय सुनी है, इनमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जो 12 घंटे से भी ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, और मौजूदा कंडीशन में क्रीम कम अज कम जिन लोगों के साथ हमने कॉन्टेक्ट किया, जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उनको और उनके किसी जानने वाले को क्रीम की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, ना ही उबर की तरफ से कोई राशन भी नहीं मिला है, इसके अलावा कोई फैसिलिटेशन और भी नहीं मिली है। उल्टा क्रीम ने क्या किया है, पहले क्या होता था कि ये लोग 25% कहते थे, लेकिन 30% के करीब ये डिडक्शन करते थे, फिर क्या करते कि बोनस की शक्ल में उसको तकरीबन हाफ जो है वो कैप्टन को वापस कर देते, हाफ खुद रख लेते। इस तरह क्या होता कि एक कैप्टन जो है एक दिन में 12-14 घंटे गाड़ी चलाता, तो उसको 1200-1400 रुपए, 1500 रुपए या 1800 रुपए बच जाते। मौजूदा कंडीशन में जब के हालात इतने खराब हैं, क्रीम कैप्टन हैं जो कि मजबूर हैं और उनको काम करना पड़ रहा है, इस दौरान करीम दावे कर रहा है कि वो कैप्टन को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन किया क्या है, किया ये है कि जो पहले बोनस दे रहे थे वो भी खत्म कर दिया। मतलब 12 से 14 घंटे मेहनत करने के बाद जो कैप्टन पहले 1500 रुपए कमा रहा था, आज वो 700 रुपए पे खड़ा है, 800 रुपए पे खड़ा है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कैप्टन की मदद कर रहे हैं। तुम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो आप लोग चार्जेस काट रहे हो वो फ्री कर दो। माना ठीक है, आपके पास सोर्सेज लिमिटेड है, जो आपने राशन बैग्स दिए थे वो आपने एनजीओ के साथ मिलकर दिए, माना आपके सोर्सेज कम होंगे, वैसे है नहीं, बट ठीक है आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। बात ये है सोर्सेज लिमिटेड है तो इस कंडीशन में फीस तो खत्म कर दो, जो कैप्टन से आप 30% चार्ज कर रहे हो उसको तो एलिमिनेट कर दो, कैप्टन के लिए आपकी तरफ से यही बहुत हो जाएगा, उनकी मदद हो जाएगी इससे। अगर वो एक दिन में 1500 रुपए कमा रहे हैं तो वो 1500 वो खुद आपकी तरफ 700 रुपए वो ना भेजें। तो जनाब इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए और एक बेहतर फैसला लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको लगता है कि दिस इज द राइट वीडियो एंड टू सपोर्ट क्रीम कैप्टन और उबर कैप्टन, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ही राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और शेयर ऐसे करना है कि क्रीम की अथॉरिटीज और उबर की अथॉरिटीज तक ये बात पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।